चलिए हटो चले छूटे बाहर कंपाउंड के बाहर जाइए कंपाउंड के बाहर राजा बजाएंगे। नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। कौशाम्बी पुलिस को कोई लोकतंत्र के बारे में बताए और पढ़ाए, शायद उनको बड़े दलों के बारे में ही पता है कि जो बड़े दल के प्रत्याशी हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, वही नामांकन कर सकते हैं। बड़े दल के प्रत्याशी होंगे तो उन्हीं का सम्मान होगा, अगर सत्ता दल का प्रत्याशी हो तो पुलिस वाले तो साहब साहब करते हुए आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन अगर कोई आम नागरिक हो, गरीब हो, वो चुनाव लड़ना चाहता हो, वो नामांकन करने गया हो, तो पुलिस वाले उसे ऐसे भगाते हैं जैसे वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। जी हाँ, कौशाम्बी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी छेदू के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्दल प्रत्याशी को किस तरह से पुलिस का एक अफसर भगाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे अपमानित कर रहा है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने के बाद जब छेदू कलेक्ट्रेट से बाहर निकल रहे थे तो लौटते समय उन्होंने डफली बजाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सीओ सिटी भड़क गए और उन्होंने धक्के देकर उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया। कोई डफली नहीं बजा सकता, लेकिन हजारों की भीड़ लेकर नामांकन कर सकता है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा सकता है। जरा आप भी उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से सीओ सिटी निर्दल प्रत्याशी को भगाते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन वीडियो के दिखाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि सोचिए, अगर यही काम किसी सत्ता दल के प्रत्याशी ने किया होता तो क्या पुलिस उसके साथ इस तरह की बदतमीजी करती जिस तरह की बदतमीजी एक गरीब प्रत्याशी के साथ की गई है? बिल्कुल भी ना करती, कभी ना करती। लेकिन यहां पर प्रत्याशी गरीब था, कमजोर था, उसके साथ कोई था नहीं। माना कि अगर उसने गलती की भी होगी, डफली अगर बजा भी दी होगी तो आप उसको समझा सकते थे, प्यार से उसको आप बता सकते थे कि यहाँ पर आप डफली नहीं बजा सकते हैं, आचार संहिता लगी है, चुनाव का समय है, इतने मीटर पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पुलिस ने समझाने के बजाय उसको अपमान किया, अपमानित करके उनको भगाया गया। जरा आप इस वीडियो को देखिए। चले छूटे बाहर कंपाउंड के बाहर जाइए कंपाउंड के बाहर राजा बजाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से सीओ सिटी निर्दल प्रत्याशी को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अपमानित होने के बाद छेदू भावुक हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ सईदापुर संसद का और मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ, आज ये 24 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते और जो है तो ये 11 चुनाव लड़के ये बार हम चुनाव में लोकसभा का दाखिल किया हूँ, आज पर्चा दाखिल किया हूँ। मुझे बात क्या मांग है, कैसे चुनाव लड़ोगे? अब निर्दलीय प्रत्याशी मैं हूँ, इधर देखो ना उधर देखो, 20 मई का छिद्दू चमार का देखो, हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान कर दिया हूँ, यानी लड़त लड़त जवान जीत जाओगे तो क्या करोगे? देखो मीडिया साहब जब आधा डंडा पावे साहब अभी हमें इसे क्या बताए अभी लोग वहाँ से कोई धक्का मारते हुए लेके आया कौन? हमका सिपाही दरोगा ही धक्का मारा नगाड़िया लिए रही नहीं तो कभी मीडिया साहब कहें कि छेदू बजा दो तो हम बजा दी ना, और लोग इकट्ठे जो है तो कहें कि नहीं ये कोई बजाने का नहीं चीज है बिल्कुल। अरे भाई आफत मजाए मीडिया धक्का मार के बजाए, हाँ बजा दी इनकी जस्ती हमें यही से गरीब जान के जो है गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब तुम तो सब जने रहा भाई जितने जने था धकेल के बाहर। हाँ हाँ
गाड़ी वापस नहीं मिली। तो सुना आपने छेदू ने किस तरह से बताया कि कई सालों से लड़ते आ रहे चुनाव और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से गरीब प्रत्याशी के साथ जो बर्ताव किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। अगर डफली बजाने से इतनी दिक्कत है तो जो तमाम दल के लोग आचार संहिता के धज्जियां उड़ाते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? या अगर उसने कोई गलती की थी तो उसको आप समझा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन नहीं, आपने वो काम नहीं किया। आपने उसको अपमानित करने का काम किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो कमजोर प्रत्याशी है, गरीब प्रत्याशी है, इसलिए पुलिस ने अपनी धौंस दिखाई, पुलिस ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया और उसके साथ में बदतमीजी की। आपको बता दें कि छेदू सिराथू तहसील के तैबापुर के रहने वाले हैं और साइकिल पर बर्तनों की फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करते हैं। छेदू पिछले कई सालों से चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो लगभग हर चुनाव में अपना पर्चा भरते आ रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका भी काफी अलग है बाकियों से। छेदू डफली बजाते हुए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि गरीब हैं, एक बार क्षेत्र की जनता उन्हें सेवा का मौका देगी तो वो उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। अक्सर उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है क्योंकि उनका अंदाज ही निराला है। इस चुनाव में भी छेदू गले में तख्ती लटकाकर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे थे। आचार संहिता को देखते हुए उन्होंने गेट पर ही अपनी डफली और गले की तख्ती को रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र भरा। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी डफली उठाई ली और जैसे ही बजाना शुरू किया तो सीओ सत्येंद्र तिवारी नाराज हो गए और उन्होंने छेदू को धक्का मारकर, अपमानित कर, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर उसको छेदू को बाहर निकाला धक्के मारकर। और लोग अब सीओ के व्यवहार को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस मामले पर सीओसीटी ने सफाई देते हुए कहा कि नामांकन स्थल के 100 मीटर दायरे में कई बार डुगडुगी बजाना आचार संहिता के खिलाफ है, इसलिए उन्हें परिसर से निकाला गया। लेकिन नाराज लोग सीओसीटी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ममता त्रिपाठी लिखती है कि चल भाग यहाँ से, तुम्हारी औकात क्या है यहाँ आने की, जी हाँ चल बाहर। कौशाम्बी में डिप्टी एसपी सत्येंद्र तिवारी किसी भी नागरिक से चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? वो योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखते कि योगी जी देखिए कैसे पेश आ रहे हैं, वो एक निर्दल प्रत्याशी के साथ, केचुआ तो एकदम ही लीजा गया है, ऐसा लग रहा है कि कौशाम्बी में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। योगी जी आपने तो शिमला बनाने का वादा किया था। जी हाँ, वही प्रभाकर सिंह के नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि कौशाम्बी के निर्दलीय दलित प्रत्याशी छेदू जी के पास इलेक्टोरल बोर्ड का पैसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान में उनका गहरा विश्वास है, सभी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बर्तन बेचने के साथ अपना प्रचार भी स्वयं करते हैं। जय भीम, भीम आर्मी करनाल। लिखते हैं कि कौशाम्बी से अनुसूचित जाति के निर्दल प्रत्याशी छेदू नामांकन में पहुंचे थे, मगर वहां मौजूद जातिवाद मानसिकता रखने वाले सीओ ने उन्हें जलील करते हुए अभद्रता से धक्के देते हुए बाहर निकाल दिया। चुनाव आयोग इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। वहीं रोहन आज़ाद लिखते हैं कि जातिवाद इस कदर हावी हो रहा है कि यूपी के कौशाम्बी में एक दलित निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन करने पहुँचा था, लेकिन एक स्थानीय पुलिस अधिकारी सीओ सत्येंद्र तिवारी ने जिस प्रकार से अभद्रतापूर्वक दुर्व्यवहार और धक्के मारकर बेइज्जत किया वो बहुत ही शर्मनाक है। या तो जिस तरह से सीओ ने छेदू के साथ बदतमीजी की, उनके साथ गलत बर्ताव किया, तो उससे लोगों में काफ़ी नाराजगी है और लोग सीओ को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।